इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सच में ये ऐसी टॉपिक है ना, जब मैं ये वीडियो ये मैं बना रहा था, जब मैं ये टेक्स्ट लिख रहा था किताबों के रेफरेंस से, तो मुझे एक अफसोस हुआ कि काश हम भी इस शिक्षा के हिस्सा होते। देखिए इसमें पूछा गया कि वैदिक शिक्षा की मुख्य विशेषताएँ बताइए। वैदिक शिक्षा मतलब जो वैदिक काल में पढ़ाई जाती थी, जो आश्रम में पढ़ाई जाती थी, गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी, जो आचार्य लोग पढ़ाते थे अपने विद्यार्थियों को लेकर जंगल में निवास करके धनुर्विद्या और ये सारी चीज़ें सिखाती थी। तो वैदिक शिक्षा की विशेषता क्या होती है आप इसको देखिए, हमारी प्रेजेंट शिक्षा से बिल्कुल भी डिफरेंस है, उसी को मैंने यहां पे अंकित किया। देखिए वैदिक कालीन शिक्षा न तो पुस्तकीय ज्ञान में विश्वास रखती थी, वहां पे कोई पुस्तक नहीं था, कोई पुस्तकीय ज्ञान पे आप डिपेंडेंट नहीं थे कि आपको बस यही पढ़ना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, नहीं नहीं नहीं, आपको पुस्तकीय ज्ञान के भरोसे ही नहीं था। यहां पर ध्यान से देखिए कि वैदिक कालीन शिक्षा न तो पुस्तकीय ज्ञान में विश्वास रखती थी और न ही जीवकोपार्जन का साधन थी। मतलब जो वैदिक शिक्षा थी वो जीवकोपार्जन की साधन नहीं थी, ऐसा नहीं है कि गुरु जी उसी के भरोसे थे कि बस वो उसे पढ़ाएंगे उससे पैसा मिलेगा तो वो खाएंगे, नहीं, वो जीवकोपार्जन का साधन बिल्कुल नहीं था, ना ही जीवकोपार्जन का साधन था। अब देखिए था क्या, यह तो पूर्ण रूप से नैतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान का सोपन था। ओ ये बिल्कुल आध्यात्मिक ज्ञान हमें विद्यार्थियों को दिया जाता, नैतिकता हमें सिखाई जाती थी वैदिक काल में, इसीलिए वैदिक काल एक महान काल था शिक्षा के क्षेत्र में। अब देखिए उस समय की शिक्षा का मकसद क्या था, यहाँ ध्यान से देखिए, उस समय की शिक्षा का मकसद व्यक्ति में ब्रह्मचर्य, सदाचार, परामर्थ, जनहित भावना, परोपकार, सात्विक भोजन, गुरु एवं बड़ों का आदर, कर्तव्य पालन और सतस्वरता, धर्म के प्रति निष्ठा, श्रम के प्रति आदर और उच्च विचार आदि संस्कारों को विकसित करके छात्रों को संस्कार युक्त बनाया जाता था। कितना बेहतरीन वर्ड्स यहाँ पे कॉपी किया गया है, ये खुद यहाँ पे टेक्स्ट मेरे द्वारा किया गया है। आप देखिए यहाँ पे कि उस समय की शिक्षा का मकसद व्यक्ति में ब्रह्मचर्य, सदाचार, परामर्थ, जनहित भावना, परोपकार, सात्विक भोजन, गुरु व बड़ों का आदर, कर्तव्य पालन, सतस्वरता, धर्म के प्रति निष्ठा, श्रम के प्रति आदर, उच्च विचार आदि संस्कारों को विकसित करके छात्रों को संस्कारी बनाया जाता था, संस्कार युक्त बनाया जाता था। कब? वैदिक काल में। यही हमारी वैदिक शिक्षा की विशेषता थी, जो कि आज